हाय 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 हेलो। मम्मी को बहुत डर लग अच्छा मम्मी को डर लग रही थी अच्छा तुझे डर लगी ना बट एक वैक्यूम बॉडी करके लिखा हुआ है तो मजा आया बहुत ही ज्यादा मतलब कितना इतना है कितना 100 किलोमीटर आया। वेलकम बैक टू YouTube चैनल मलनाड सोल। प्रेजेंटली आई एम एट नेशनल रेल म्यूजियम। यू कैन लुक एट द बोर्ड। दिस इज इन चाणक्यपुरी अराउंड 2 to 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम मोतीबाग मेट्रो स्टेशन। अभी हम ये समल है इसके साथ आया हूँ मैं। एक हाई बोल देना व्यूवर्स के लिए कि मैं पार्किंग एरिया पे हूँ जो नेशनल रेल म्यूजियम का। उसका जो रेट है टू व्हीलर के लिए 10-10 रुपये एक एक घंटा और ऐसे बढ़ता रहेगा। एक घंटा भी 2 घंटे के लिए 20 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये। हमारा जो टाइगर आप बहुत वीडियो में देखे होंगे यहाँ पे खड़ा कर रखा हूँ। देखो ये है और एंट्रेंस में ही आपको पब्लिक कन्वीनियंस है। ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। ये देख सकते हो एक प्राइस है अडल्ट के लिए और बच्चे के लिए। बच्चे मतलब 3 से 12 के लिए वो बच्चे ही इसमें एज पर इन दिस बोर्ड। ओके यहाँ पे जॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, डिजाइल सिम्युलेटर है, स्टीम सिम्युलेटर है, कोच सिम्युलेटर है। आप प्राइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है और ये देखो एक भी ये भी पढ़ सकते हो म्यूजियम एक्सप्रेस जॉय ट्रेन टाइमिंग लंच टाइम है। 2 टिकट ले लिया। ये बिल्डिंग काउंटर है और यहाँ पे ना अंदर आपको ट्रेन का कुछ एंजॉय करना है आपको अंदर ऑनलाइन भी कर सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ सिर्फ एंट्रेंस के लिए लिया हूँ 2 टिकट 50 रुपये का। अंदर हम देखेंगे ऑनलाइन कर दूँगा और ऑनलाइन से मैं वहाँ टिकट ले लूँगा। यहाँ पे रेलवे पुलिस फोर्स रहता है। मैं सोचा था कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे देख रहा है बट ये जो है ना जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है वही इसको देखभाल करता है। एंट्री करते ही 100 मीटर में एक ऐसा वाला व्यू मिलेगा। ठीक है वहाँ पे जो है ना वो इंडोर म्यूजियम है। इंडोर देखो भाई ये जो म्यूजियम का ना एक लोगो है ये ही है इसका लोगो। ठीक है तो अभी इंडोर म्यूजियम का अंदर का व्यू मैं दिखाऊंगा। ये देखो रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज उसका जो लोगो है यहाँ पे ना। जो पुराना वाला जो सिस्टम था और अभी का जो सिस्टम है उसी का जो डिफरेंस अभी उन्होंने दिखा रहा है मैं दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो पहले ऐसे इतना पोल्यूशन होता था अभी देखो कुछ पोल्यूशन नहीं है। ऐसे भीड़ में बैठे जाते थे अभी देखो कितना कूल है। यहाँ पे कैबिन देखो कैसे बना रखा है और ये देखो लाइन में लगे रहना पड़ता था। अभी देखो ये रॉयल जैसे कैबिन कंपार्टमेंट के अंदर कितना रॉयल लाइटिंग वगैरह लगा रखे है देख सकते हो। देखो ये जो पहाड़ है पहाड़ से एक टनल बोरिंग मशीन है। ये बोरिंग मशीन से ये टनल खोद रहा है। देखो इतना बड़ा पहाड़ है ये जस्ट ये शीशा का अंदर बना रखे है। इसका तो ये देख सकते हो इंडियन मैप इस मैप में ना जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है उसी का जो लेआउट है। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो ये कोटा जयपुर आगरा और ये नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो डिब्रूगढ़ टाउन ये ऐसे ऐसे मैन मेड है मतलब मैन से ऑपरेट होता था। आजकल इसके बाद अभी अभी आया है आपको तो पता ही होगा ये जो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है वैसे बना दूँगा। ये जो है लेआउट है ये जो है मेन लेन है और ये सिर्फ स्टेशन में होता है। ये है साइड पुल बोलते हैं इसको। ये जो साइड पुल है ठीक है यहाँ पे ट्रेन खड़े हो जाता है। ये है मेन रोड। ये मेन रोड है सिर्फ जो शताब्दी एक्सप्रेस हो गया जो फास्टेस्ट स्पीड जो ट्रेन रहता है उन्हीं के लिए बना रखते हैं। और ये जो साइड है ये रुकने के लिए मतलब जब ट्रेन स्टेशन रहता है उस टाइम के लिए। ये ताम्बराम का लेआउट है और ये जो है ना स्टेशन मास्टर ने इसको ऑपरेट करता है। ये देखो ये हैंडल है ये हैंडल से लेन चेंज होगा। ठीक है तो पहले पुराना वाला था आजकल पता नहीं ये कैसा है। जो पुराना वाले को मॉडल इन्होंने बना रखे हैं। साइड व्यू जैसे शेल्टन है ना वैसे ये व्यू दिक्कत दिया गया है और ये है आउटसाइड व्यू है। ठीक है ये देख सकते हो दोनों और सेम एक और एक लोकोमोटिव यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एयर ब्रेक सिस्टम टोटल ना 2 टाइप का ब्रेक सिस्टम होता है। एक डिस्क ब्रेक होता है एक एयर ब्रेक सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना एयर ब्रेक सिस्टम और डिस्क ब्रेक सिस्टम का क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। एयर ब्रेक सिस्टम क्या होता है आपको तुरंत ब्रेक लगाती है वो रुकेगा नहीं ट्रेन रुकेगा नहीं चला होगा हो जाएगा और 100 मीटर के बाद वो रुक जाएगा। बट डिस्क ब्रेक क्या होता है ये इंस्टेंटली वो रुक जाता है। इसलिए ये जो मॉडर्न जो ट्रेन आ रहा है वो डिस्क ब्रेक वाला आ रहा है। ये देखो भाई ये ऑपरेट करना है इसे इसको दबाना है ये हैंडल है। ठीक है
मेरे को ये फिर उठाना पड़ेगा, तब भी ब्रेक होगा, ये दिन ये ब्रेक का होगा, ये फुल करना है और ये अचीव करना है, चलता रहेगा ट्रेन प्रेजेंट का है जो है ना, और उस तरफ जो है वो फ्यूचर का कैसे रहेगा, जो ट्रेन हो गया और एरोप्लेन जो भी सबका जो ऑल मोड ऑफ ट्रैवल है ना वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, और वो पहाड़ है, ठीक है, और इसको टच नहीं करना है, और आप इनकेस इसके बारे में नॉलेज लेना है यहाँ पढ़ सकते हो, आप पढ़ के और इसके बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा। वहाँ पे ना वो रेल म्यूजियम है, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का जो डोम है ये देखो, ये डोम है, ठीक है, और वो जो फ्लाई ओवर रनवे वगैरह है वो फ्यूचर फ्लैंड के लिए हुआ होगा, और ये जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग है ये फ्यूचर का है, फ्यूचर में ऐसे हो सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मोनोरेल, ये अभी दूसरा कंट्री में है बट ये हमारा इंडिया में भी आने वाला है, देखो कह सकते हैं ये मोनो रेल, ठीक है, टनल वगैरह बना रखे हैं, ये ऊपर लोग खेल रहे हैं और नीचे ट्रेन जाएगा, मतलब अच्छा बना रखे हैं। तो ये बीकानेर लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम राजस्थान ही आ गए, दिल्ली में और एक बीकानेर स्टेशन मिल गया हमको, ठीक है, ये है स्टेशन बीकानेर। प्रेजेंटली मैं अभी बीकानेर स्टेशन में हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन है ये पुराना वाला जो स्टेशन होता था ना वैसे बना रखे हैं इन लोग, देखो यहाँ पे सिटिंग चेयर है, आप बैठ सकते हो, पहले जो पुराना स्टेशन में आप बैठने का जो चेयर होता था ना, बट आजकल ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ वेटिंग रूम है लेडीज़ के लिए, और बोर्ड भी लगा रखा है, ये बैठ गया ऐसे ही संभल बैठ गया, ये देखो ये है टॉय ट्रेन, ठीक है, इसका रेट 100 रुपये है, ऑनलाइन में आप टिकट कर सकते हो या मेन गेट पर है ना वहीं पर भी आपको टिकट मिल जाएगा इसका। यहाँ पर WDG लिखा हुआ है ना, W होता है वाइड गेज, डी मतलब डिजाइल, जी मतलब गुड्स, ये गुड्स का है, बट यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये किड्स बैठे हैं यहाँ पे, वैसे ये पी होना चाहिए था क्योंकि पैसेंजर वहाँ पैसेंजर के लिए, ये सिर्फ गुड्स के लिए, पैसेंजर के लिए है ही नहीं, बट यहाँ ये जो टॉय ट्रेन है ये लोग बच्चे के यूज़ कर रहे हैं। ये बीम है, ये डिपो है जहाँ जहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है ना ये बीम इसको बोलते हैं, और ये नंबर है 5001, जो स्टार्टिंग दो डिजिट होता है ना वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, और जो लास्ट जो 3 डिजिट है वो स्लीपर या ये हो रहा है, ये देखो भाई ये छोटू इसका रिपेयर कर रहा है, तो पैसेंजर यहाँ बैठ रखे, ये देखो पायलट यहाँ बैठ रहा है, और ये हैंडल है इसे ऑपरेट करना होगा, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में क्या है, एक 2 मीटर है, एक आई थिंक ये स्पीडोमीटर लगा, टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर का है, और ये वोल्टेज का वो लग रहा है, ठीक है, और ये की लगाएंगे, और ये ऑन ऑफ बटन होगा, इग्निशन की होगा, और ये यहाँ पे स्पीड दिखाया होगा, ये इसके लिए स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ की टॉय ट्रेन आने वाला है, जब आएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जाता है कैसे क्या है। यहाँ देख सकते हो टॉय ट्रेन आ रहा है पीछे पीछे, ठीक है, ये हॉर्न बजा रहे मेरे लिए, हॉर्न बजने दो कोई दिक्कत नहीं, देखो आ रहा है, देखो आ गया, टनल है, टनल का नीचे से आएगा, कमॉन कमॉन कमॉन, देखो इंजन आ गया लोकोमोटिव बीम डिपो से, हाय हाय हाय, हेलो हेलो, देखो अभी हाँ देखो भाई ये है ना, ये जो है ट्रैक है, ठीक है, और ये जो बीच में है ये लकड़ी का बना हुआ, इसको बोलते हैं स्लीपर, कि स्लीपर किस लिए है, इसको स्टेबिलिटी देता है, ये जो दोनों लेन है ना जो मेटल का लेन है ये दोनों को स्टेबिलिटी देता है, और ये जो है ना ये बैलेस्ट है, ये बैलेस्ट का 3 पर्पज़ है, एक है इससे यहाँ पे जो वीड वगैरह आता है ना वो नहीं यहाँ पे ग्रो होगा, और वन मोर थिंग इसको स्टेबिलिटी देगा, और देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी देगा, और ये जो है ना ज़्यादा ये नहीं होगा डिस्टर्ब नहीं होगा, और में है ना इसका जो कंप्रेस होके ये बढ़ता रहेगा, इसका जो ब्रेड्थ है वो बढ़ेगा, इसलिए ये इसको सेम सिग्नल ट्रैक होता है ना वो 6 फीट 5 इंच, बट ये है 1 फीट के लिए बना हुआ है ये, क्योंकि ये एक मिनिएचर है जैसे बच्चे के लिए बना रखे ना इसलिए वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग है, मतलब ये वाला जो है ना यहाँ से ये वाला पॉइंट्समैन ऑपरेट करेगा, ये जो शूज़ से दिखा रहा हूँ, देखो ये इस तरफ जाएगा तब ये वाला जो व्हील है ना व्हील यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये जो एरिया है ये जो बना हुआ है ना ये 180 ईयर ओल्ड है, बट इसको 1977 में बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, 1995 में इसको नेशनल म्यूजियम नेशनल रियल म्यूजियम करके
नाम रख दिया गया है, ठीक है। हाँ, आई थिंक कन्फ्यूज होता होगा, बोगी क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है और कोच क्या होता है। बोगी क्या होता है, ये जो व्हील है ना, व्हील, ये व्हील से यहाँ तक जो पार्ट है ये बोगी है, ठीक है। और यहाँ से जो ये जो कलर लगा रखे है ना, इसको बोलते हैं कोच, ठीक है। और इसका अंदर जो पार्ट होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट में आप जैसे जब ट्रेन में चढ़ते हो ना, चढ़ने के बाद दो तरह होता है, एक बस दो बंदे बैठने के लिए रहता है आगे नीचे, और इस तरफ रहते हैं तीन तीन बंदे बैठते हैं, उसको बड़ा कंपार्टमेंट बोलते हैं और उसको कैबिन बोलते हैं। और जो जहाँ हम दो दो आगे नीचे बैठ, उसको हम बोलते हैं कूप, ओके। बस उसमें आगे और नीचे बैठ सकता है, ठीक है ना। ये पहले जो दो कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से और एक बोगी आएगा और इसको कनेक्ट होगा। बट आजकल ये वाला नहीं है, क्योंकि क्या क्या होता है, इससे ज़्यादा झटका और जब एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, उस टाइम ज़्यादा डैमेज स्टार्ट हो गया। इसलिए आजकल जो नया जो आ रहा है, उसके लिए हम सेंट्रल बपर सिस्टम करके है, CDS करके है, वो यूज़ कर रहे हैं। उससे ज़्यादा झटका नहीं लगेगा और इनके से एक्सीडेंट भी हो गए ना, डैमेज भी नहीं होगा। इसका व्हील देखो, इतना बड़ा लोकोमोटिव कैसा है, इसका अंदर ऑपरेशन कैसे करते थे यार पहले, जो सोलर सिस्टम सोलर मूवी का जैसे याद आ रहा है मुझे, लेकिन कैसा है। इसका व्हील देखो, कोच में जानवर को भी लेके जाते थे पहले, देखो उसका जो मॉडल है बना रखे हैं यहाँ पे, देखो सीप है इसमें, सीप। देखो भाई ये वैक्यूम बॉडी करके लिखा हुआ है, अभी हम जा रहे हैं जॉय ट्रेन के लिए। यहाँ पे बोर्ड है म्यूजियम जंक्शन, ये वो बीकानेर था, बट ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है कौन सा स्टेशन है करके। अभी इसके अंदर हम बैठ जाएंगे, दिखाऊंगा कैसे मजा आएगा। ये है लोकोमोटिव, अभी हम इसके अंदर चढ़ेंगे। स्टार्ट कर दिया पायलट ट्रेन को, जॉय ट्रेन का स्टार्ट हो गया। अभी हम चलते हैं पहला बोगी, आई थिंक वो जनरल है, स्लीपर स्टार्ट हो गया। आपको तो पता ही होगा नॉर्मल जनरल लास्ट में रहता है और स्लीपर बीच में रहता है। अभी मैं भी जनरल में बैठूंगा, ठीक है, मजा आएगा। टिकट चक्कर जगह ही नहीं दे रहा यार, क्या करें, बताओ भाई कहाँ बैठे हैं। टिकट चक हो रहा है भाई प्लेटफॉर्म में, भाई जगह दे देना यार। हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया, बट हर प्लेटफॉर्म में ना चाय वाला कोई चीफ मार्क चीफ भेजने वाला आता है, बट इस प्लेटफॉर्म में कोई नहीं है, ठीक है। ये बहुत साफ वाला स्टेशन है। तो ट्रेन है सामने जो, ये लोकोमोटिव है और यहाँ पे ट्रेन बैठे हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर भी आके बैठ सकते हो मेरे जैसा। सबसे लास्ट वाला बोगी में हूँ भाई, जनरल में। जनरल देखो कैसा है हमारा, संभल बैठा है अंदर। जब बारिश होगा ना मजा आएगा, अभी बारिश होना चाहिए, मजा आता है सच में। टनल का अंदर है अभी। बहुत 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 अच्छा फीलिंग हो रहा है भाई, बच्चे के लिए नहीं है हमारे लिए भी है। ये देखो ना बच्चा कैसा खड़ा है हमारा। डेस्टिनेशन हम पहुंचने वाले हैं भाई, 15 मिनट का चलता है, मजा आता है बच्चे के लिए तो बहुत 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 मजा आता है। बैक टू स्टेशन, चलो उतरने का टाइम आ गया, उतरेंगे हम। चलो भाई बहुत मजा आया, 15 मिनट का था, ज्यादा नहीं, बट मजा आ गया। अरे पैसेंजर भी उतर गए। सर बताइए आपको कैसे मजा आया वीडियो के बारे में। मजा आया, बहुत मजा आया। सर पूरा राउंड जो था, हाँ जी, पुराने कोचेस थे, ओके, प्री इंडिपेंडेंस लेवल के कोचेस थे, ओके, एनिमल कैरेजेस थे, फर्स्ट क्लास कैरेजेस थे, तो ब्रिटिशर्स लोगों के जो फर्स्ट क्लास कैरेजेस थे वो थे। अच्छा, इंडिया के जो आइकॉनिक ट्रेन्स थे उसके कैरेजेस थे। देखो अच्छा लगा, सर ने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझे भी इतना नहीं पता था। रियल सर थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा, मतलब कितना 100 किलोमीटर आया। अच्छा क्या क्या स्टेशन, कौन सा स्टेशन देखे आपने जाते वक्त, स्टेशन देखे हो, कौन सा स्टेशन देखे हो, बीच बीच में कौन सा स्टेशन पड़ा,
नहीं पढ़ा? हाँ इधर आना, इधर आना। हाँ छोटा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ये पे कैमरा में देखो, छोटा बड़ा नहीं। नाम 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 देखे हो? अच्छा, और यार मैं चाय वगैरह नहीं पी स्टेशन में, चाय नहीं मिला खाना? चाय मिलती है? नहीं मिलती है, कचलो कंप्लेंट करेंगे अभी, ठीक है? चलो थैंक यू भाई। ये इंडियाज लार्जेस्ट रेल म्यूजियम, ओके। और इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, मतलब एक किलोमीटर का, अराउंड एक किलोमीटर एरिया कवर हो चुका है ये जो एरिया है। और इसका अंदर एक कैफेटेरिया है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलेगा उसका अंदर। कैफेटेरिया के अंदर हम एंट्री हो रहे हैं, ये है जोड़ा चर्च जैसा बना रखा है इसको, पता है? अभी इसका अंदर चलते हैं, देखना ऊपर चर्च ही लग रहा है, ठीक है? बट अंदर कैफेटेरिया है, चलते हैं। लो इसका इनर व्यू मैं दिखाऊँगा कैसे है। ओ आ जाओ साथ साथ में चलते। Awesome. देखो कैसा लगा आपको ये जो यहाँ पे आप जॉय ट्रेन का मजा किए और टॉय ट्रेन का कैसे मजा आया? मतलब टॉय ट्रेन एकदम रोमांचक था क्योंकि ऐसे ऐसे हिल रहा था, ओके, तो सबको लग रहा था कि हम गिर जाएंगे, इसीलिए बहुत लोग चिल्ला रहे थे। पहला एक्सपीरियंस था ना आपका, एक्सपीरियंस पहला था ना? हाँ। अच्छा, डर नहीं लगी आपको? नहीं डर तो नहीं लगा। क्या साथ में मम्मी थी इसलिए? अच्छा, मम्मी को बहुत डर लगा। अच्छा, मम्मी को डर लग रही थी, अच्छा तुझे डर लगी ना? ओके भाई, थैंक यू, थैंक यू मैडम। अब सुने होंगे मणिकांत भाई हैप्पीनेस, अब बे कम टू दुबई, वो दुबई नहीं है, अब बे कम टू रेल म्यूजियम, आपको इतना मजा आएगा ना। ओके, और एक मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, मैं इतना अच्छा वीडियो बना रखा हूँ एज आई फील, तो इनके हिसाब आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, इनके हिसाब आपको कुछ गलत लगे है यार मेरा कुछ प्रॉब्लम है आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय रेल म्यूजियम एंड लव यू ऑल।